नमस्कार, मैं विष्णु लांबा हिमाचल के शिमला शहर में हैं। शिमला की आबो हवा से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। यहाँ की खुशहाली, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के आध्यात्म की अनन्य श्रद्धा, लोगों के समर्पण, आने वालों के प्रति आतिथ्य, स्नेह, समभाव, समरसता का भाव, समानता का भाव, स्नेह का भाव, इस प्रकार के भावों के बीच सेब का भाव पूरी दुनिया में भले ही कितना ही बढ़ रहा हो, लेकिन हमारे बीच में सेब बड़ा सस्ता दिखाई दे रहा है। किसी के खेत में जा सकते हैं, किसी से भी बात की जा सकती है। और यहाँ के इतने पहाड़ी लोग, इतने मीठे, इतने प्यारे लोग हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ के माननीय राज्यपाल आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ला जी ने श्री कल्तर संस्थान की ओर से जो ग्रीन बचपन अभियान चलाया जाना है, उस अभियान के निमित्त हाल ही में आमंत्रित किया और यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे भी इन दुर्लभ फलों को देखने का, इनको स्पर्श करने का, खाने का, इनका स्वाद चखने का और इनकी वास्तविकता जानने का काम हुआ। एक बहुत बड़ी बात है जो आपसे इस माध्यम साझा करना चाहूँगा। आप मार्केट में एप्पल देखते हैं, कई प्रकार के बड़े चमकीले चमकीले, वास्तव में वो चमकीले होते नहीं, उनके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है। कई जगह पुलिस वालों ने पकड़ा दिया, उनके खिलाफ केस भी किए हैं। उनको धोने के बाद उनकी वास्तविकता रंग उतर जाता है और आ जाता है। असली एप्पल के लिए आपको थोड़ा सा गौर से जूम करके देखना पड़ेगा, या आपको कभी एप्पल के पास आना पड़ेगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, फलों को जो केमिकल से कलर से पोत करके तैयार किया जाता है, चमकाया जाता है, उनके आसपास मत जाइए, उनको खरीदने मत जाइए। जो नेचुरल फल हैं, चाहे वो आम हो, चाहे वो तरबूज हो, एप्पल हो, उनकी पहचान को समझिए। और इस प्रकार के जो नवाचार हमारे हो रहे हैं, उन नवाचारों को देखते रहिए और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।